प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, मैं योगेश राठौर आज आपको कक्षा आठवीं का गणित का अध्याय एक परिमेय संख्या पढ़ा रहा हूं। मैंने प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्म इस सवाल को हम शॉर्टकट विधि से डायरेक्ट उत्तर भी ला सकते हैं, लेकिन प्रश्न में हमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से ही सवाल को हल करना है, इसलिए हमें इसमें जो इसके नियम है उचित गुणधर्म है उनके प्रयोग से ही इसको हल करना है। आप लोगों ने कक्षा सातवीं में पढ़ा है प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस और माइनस प्लस बराबर माइनस। ये नियम हमें इन सवालों में भी काम आएगा जो हमने कक्षा सातवीं और छठवीं में सीखा है। तो आइए हम सवाल पहला करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल में हमको कुछ पद दिए गए हैं। पद कैसे डिसाइड करेंगे? जो गुणांक होता है उस पद को हम एक ही पद मानते हैं, क्योंकि अगर उसे हल करेंगे तो वो एक ही पद के रूप में हो जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं एक पद, ये दूसरा पद और ये गुणा में है जो ये तीसरा पद। यहां पर हमें कुल मिलाकर इस सवाल में तीन पद दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इस सवाल में हमें एक जैसा कुछ दिख रहा है। हम देखते हैं इस पद में तीन बटा पांच है और जो तीसरा पद है उसमें भी तीन बटा पांच है, तो हम इसे क्रम विनिमय नियम के माध्यम से आगे ला सकते हैं। तो हम इसे जमाते हैं, हम पहला पद मान लेते हैं माइनस दो बटा तीन गुणे तीन बटे पांच। हम इस पद को आगे लाते हैं माइनस तीन बटे पांच गुणे एक बटा छ। हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसे कोष्टक के रूप में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर एक कोष्टक बना रहा हूं। अब हमारा जो तीसरा पद बच गया है प्लस पांच बटे दो, उसे हम आखिर में उतार देंगे। इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। तो यहां लिख देते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि गुणधर्मों का प्रयोग से करना है तो हम उसका उपयोग करेंगे क्रम विनिमयता से। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमें दो पद एक जैसे दिख रहे हैं, तीन बटे पांच और तीन बटे पांच। तो यहां पर हमारा एक गुणधर्म और लगता है जिसे हम कहते हैं मित्रता का नियम। तो मित्रता का नियम में, मित्रता के नियम में हम इसे आगे हल करते हैं। अब यहां पर भी तीन बटे पांच है, यहां पर भी तीन बटे पांच है, तो तीन बटे पांच को हम बाहर ले आएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन लेना, इसे हम इसे बाहर ले आएंगे। अब हम तीन बटे पांच यहां से और तीन बटे पांच यहां से बाहर ला चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अंदर क्या बच गया है, तो यहां पर बच गया है माइनस दो बटा तीन, यहां पर भी तीन बटे पांच जा चुका है, तो तीन बटे पांच की जगह हम लिख देंगे एक, और यहां पर भी तीन बटे पांच जा चुका है तो यहां लिख देंगे एक। बाहर का जो पांच बटे दो है उस पद को हम ऐसा ही उतार लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम हल करेंगे। माइनस दो बटा तीन में एक का गुणा करेंगे तो माइनस दो बटा तीन ही आएगा, और यहां पर भी एक बटा माइनस एक में एक बटा छह का गुणा करेंगे तो माइनस एक बटा छह आएगा। इस नियम को हम बोलेंगे मित्रता का नियम। आगे इस सवाल को हम हल करते हैं, ये पद अभी ऐसा ही उतार देंगे। आगे इस सवाल को हल करेंगे। अब यहां पर हम कॉमन लेंगे, नहीं सॉरी कॉमन नहीं लेंगे, हम एलएचएस लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम लेंगे तीन और छह का लघुत्तम लेंगे, आपको पिछली कक्षा में सिखाया गया है, तो आएगा छह। अब तीन में छह का भाग देंगे, इसको विभाजित करेंगे तो आएगा दो, दो में दो का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा चार। यहां पर छह में छह को विभाजित करेंगे तो आएगा एक, एक में एक का गुणा करेंगे तो यहां पर आएगा एक प्लस पांच बटे दो। अब मैं यहां पर थोड़ा मिटा रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। जैसा कि हमारा सवाल था तीन बटे पांच, अब अंदर हम भाग करते हैं माइनस माइनस, अभी जैसे नियम बताया था माइनस माइनस होता है प्लस, तो चार और एक को अपन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पांच, लेकिन दोनों माइनस में है, चार माइनस में है एक माइनस में है, तो ये हो जाएगा माइनस का पांच और बटन का हो जाएगा छ, और कोष्ठक हटेगा तो यहां पर लग जाएगा
चाहिए। हमने प्रश्न उत्तर दिया है माइनस दो बटे तीन गुणी तीन बटे पांच प्लस पांच बटे दो माइनस तीन बटा पांच गुणी तीन बटा छह। सबसे पहले हम इसको पदों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला पद ये है गुणा को हम एक पद मानते हैं तो ये एक पद हो गया। फिर ये हमारा दूसरा पद है जो प्लस में है। तीसरा पद हमने फिर गुणा करके लिया तो अपने पास कुल पद हो गए तीन। अब तीनों पदों में हम पहले क्या करेंगे इनको क्रम से जमाएंगे। इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमयता नियम जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे आपको दिख रहा है। हम सबसे पहले इनको क्रम से जमाएंगे तो हम देखते हैं ये वाला पद और ये वाला पद हमने क्रम से जमा दिया है। उसके बाद जो दूसरा पद था उसको हमने आखिर में लिख दिया है पांच बटे दो को। अब जैसे ही हम इसे हल करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर माइनस दो बटे यहाँ सॉरी यहाँ पर तीन बटे पांच है यहाँ पर तीन बटे पांच है तो तीन बटे पांच को हम आगे ले आते हैं। इस नियम को बोलते हैं विद्युतता का नियम। इस नियम से हमने तीन बटे पांच को आगे लिया है। अब यहाँ पर दो बटे तीन बच गया तो तीन बटे पांच जो था हम आगे का कॉमन लिया है तो यहाँ पर एक बचा। इसी प्रकार इस तरफ हम देखते हैं तीन बटे पांच को हमने कॉमन ले लिया है बाहर हमारे पास क्या बच गया एक और पहले से एक बटा छह हमारे पास दिया हुआ था और जो लास्ट पद है अपना पांच बटे दो उसे वैसा का वैसा हम लिखते जाएंगे। आखिर में हम देखते हैं तीन बटे पांच यहाँ पर उतार दिया। अब इसे हल करते हैं तो माइनस दो बटा तीन में एक का गुणा करेंगे तो माइनस दो बटा तीन ही आएगा और माइनस एक में एक बटा छह का गुणा करेंगे तो माइनस एक बटा छह आएगा। पीछे वाले पद को हम ऐसे ही उतार रहे हैं पांच बटा दो का आपको दिख रहा है। अब हम हल करते हैं इसे आगे तो तीन और छह का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा लघुत्तम बोलते हैं इसको हिंदी में। और लघुत्तम में क्या होता है तीन और छह का हम भाग करेंगे हमारे पास आएगा छह छह आएगा छह का तीन में छह का विभाजन करेंगे तो दो दो में दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो चार आता है। उसी प्रकार छह में छह का भाग देंगे तो आएगा एक एक का एक में गुणा करेंगे तो माइनस का एक। पीछे वाला पद ऐसे ही उतर रहा है। इस सवाल को हम आगे लाते हैं तीन बटे पांच यहाँ पर अपना पहले से था इसे हल किया अन्य वाले को माइनस माइनस हो गया अपना प्लस तो माइनस चार माइनस एक मिलकर बन गया माइनस का पांच और बटे में अपना छह था तो माइनस पांच बटे छह। और बच्चों पांच बटे दो लास्ट पद था उसको भी हम यहाँ पर उतार लेते हैं इसे करते हैं। अब हम इसे विभाजित करते हैं देखते हैं कि तीन से छह कट रहा है तो तीन दुना छह हमने तीन से छह को काट दिया। इसी प्रकार पांच से पांच भी कट रहा है पांच एकम पांच लेकिन यहाँ पर याद रखना है माइनस भी है तो इसलिए यहाँ पर ऊपर बचा है माइनस का एक और बटे में अपना दो तो माइनस एक बटा दो और इधर अपना लास्ट पद जो था पांच बटे दो से उतारा हमने। अब यहाँ पर फिर लघुत्तम लेंगे एलसीएम फिर से लेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो दो और दो का एलसीएम लेंगे तो दो जाएगा। अब यहाँ पर दो और दो का भाग देंगे एक और एक में एक का गुणा करेंगे तो माइनस का एक क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पर भी दो में दो को विभाजित करेंगे तो एक आएगा और एक में पांच गुणा करेंगे तो पांच। अब इसे आगे हल करते हैं तो माइनस का एक प्लस पांच तो माइनस प्लस होता है हमारा माइनस तो हम घटाएंगे पांच में से एक गया तो चार लेकिन बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर में चार हमारा प्लस में आएगा। जो बटे में दो है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे दो। अब हम देखते हैं कि दो से चार विभाजित हो रहा है तो दो दूना चार तो हमारा उत्तर इस प्रकार आया